बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सीबीआई की विशेष अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। भाजपा नेता आडवाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराया है और जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आडवाणी से लगभग 100 सवाल पूछे, जिसका जवाब आडवाणी ने दिया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किए। पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने स्पेशल सीबीआई अदालत के सामने दी गई अपनी गवाही में कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक द्वेष का है। आडवाणी ने कोर्ट को कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने राजनीतिक द्वेष की वजह से उन पर कार्रवाई की, वो इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के पौने 28 साल बाद अब जब उस भूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, उस समय अदालत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी से पूछ रही है कि 6 दिसंबर 1992 की दोपहरी तब क्या हुआ था। जाहिर है अदालत ने सीआरपीसी की दफा 313 के तहत लालकृष्ण आडवाणी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनके बयान दर्ज कराए। इस बारे में 1000 के करीब सवाल तय किए गए थे, तो 100 के करीब सवाल लालकृष्ण आडवाणी से पूछे गए 11:30 बजे पूर्वाह्न से लेकर 3:30 बजे अपराह्न तक उनसे सवाल जवाब किए गए। जाहिर है कि अधिकतर सवालों के जवाब में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि उनकी ढांचा ढहाए जाने में कोई भूमिका नहीं थी। जितने इल्जाम लगाए गए हैं वो राजनीतिक नजरिए से लगाए गए हैं, सारे राजनीतिक इल्जाम हैं। 5 अगस्त को उसी विवादित जमीन पर जहां 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहा दिया गया था, वहां राम मंदिर के लिए शिलान्यास भूमि पूजन होना है। लालकृष्ण आडवाणी भी उसमें आमंत्रित होंगे और वो भी जाएंगे, लेकिन इतने साल बाद भी उनसे जब उनके बयान दर्ज कराए गए, इसमें से 31 नेताओं में से 29 के बयान अभी दर्ज करा लिए गए हैं, बाकी और लोगों के बयान भी दर्ज होने हैं। यानी अब सुनवाई धीरे धीरे खरामा खरामा इतने बरसों में यहां तक पहुंची है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन इससे पहले मुरली मनोहर जोशी ने अपने बयान दर्ज कराए थे, लालकृष्ण आडवाणी ने दर्ज कराए हैं, इसके अलावा 2-3 नेता और रह जाते हैं जिनके बयान इसमें दर्ज होने, बाकी नेताओं के बयान दर्ज हो चुके हैं। यानी अब लोगों को इंतजार है कि बयान दर्ज होने के बाद प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ेगी और इसका जजमेंट जब तक आएगा तब तक शायद वहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए या फिर पूरा भी हो जाए, कौन जाने। बयान दर्ज करवाने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में 30 मिनट तक मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आडवाणी की पेशी से पहले दोनों नेताओं के बीच इसके अहम पहलुओं पर बात हुई। इस मामले में उमा भारती, कल्याण सिंह अदालत के सामने अपना बयान दे चुके हैं। अब 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी ने भी इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाया था। 92 साल के लालकृष्ण आडवाणी देश में राम मंदिर निर्माण आंदोलन के अगुआ रहे हैं। बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा ढाई गई थी। इसके बाद इस मामले में एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है ताकि इस केस की सुनवाई को 31 अगस्त तक पूरा किया जा सके। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।